टूलकिट क्या होती है। बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा जी ने ट्विटर के ऊपर कांग्रेस की टूलकिट कहते हुए उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, और वहां पर कांग्रेस ने उस टूलकिट को मना कर दिया कि ये हमारी नहीं है, और फिर एंट्री होती है ट्विटर की। पर आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय के ऊपर बात करने वाला हूँ, और दोनों ही पक्ष आपके सामने रखूंगा, पक्ष भी और विपक्ष भी, फिर आप डिसाइड करिए कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 18 मई से, जहां पर बीजेपी के स्पोक पर्सन संबित पात्रा जी अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक डॉक्यूमेंट शेयर करते हुए ये कहते हुए कि वो कांग्रेस की टूलकिट है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा, देखो मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस जो इन्होंने कहा है वो सही है या गलत है, मैं इसके ऊपर कोई भी प्रमाणिकता नहीं दे रहा हूं, ना ही इसके ऊपर अपना कोई ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि ये इस चीज के ऊपर केस जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में, अब वही डिसाइड करेंगे, तो यहां पर कमेंट करना ही खराब है। पहले तो मैं आप लोगों को टूलकिट जो ये टर्म है वो समझा देता हूं। देखो टूलकिट क्या होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर जो बातें हैं वो बड़ी संक्षिप्त और की पॉइंट लिखे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक पार्टी है एक्स नाम से, एक पार्टी है वो जो पार्टी होती है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, इनके साथ बहुत ज्यादा वो जनसंख्या में जुड़ी हुई होती है, तो अपनी बात वो आखिर तक के पर्सन तक पहुंचाए, मतलब कि जो एक बहुत दूर दराज बैठा है जो इनसे जुड़ा हुआ है वहां तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, तो इसके जरिए वो टूलकिट के जरिए जो है वो अपनी बात पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक्स पार्टी है, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो बैठकर पार्टी में एक मीटिंग करते हैं, और वहां पर वो अपने आइडियाज अपने थॉट वो बताते हैं, सुझाव वहां पर देते हैं, और जब ये मीटिंग खत्म होती है तो उनसे कहा जाता है कि जो आपने अपने आइडिया जो सुझाव जो दिए हैं आप उनके की पॉइंट के जरिए एक पेज के ऊपर लिख के दे दीजिए, ताकि ये जो बातें हैं हम हमारे आखिरी पर्सन तक जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं हर एक पर्सन तक वो बात बिल्कुल साधारण तरीके से की पॉइंट के जरिए वहां तक पहुंचा सकें, और उनको बता सकें कि पार्टी इस आइडियोलॉजी के ऊपर काम करने वाली है, क्या वो नहीं करेगी, कैसे वो काम करेगी, सारी चीजें वो उसको साधारण भाषा में वो चीजें समझ में। एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट ही होता है जिसको ये टूलकिट कहा गया है। तो 18 मई को संबित पात्रा जी ने ऐसा ही कांग्रेस का टूलकिट कहते हुए ये ट्विटर हैंडल के ऊपर स्क्रीनशॉट शेयर किए, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लगाया कि कांग्रेस जो है वो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, भारत सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, और कांग्रेस ने इस बात को डिनाय कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारी है तो आप इसको प्रूफ करके दिखा दीजिए। अब यहां पर जो कांग्रेस की जो टूलकिट कहते हुए जो संबित पात्रा जी ने शेयर की थी, यहां पर इस टूलकिट या इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कांग्रेस का चिन्ह भी होता है। इस टूलकिट के अंदर जैसी जो बात बोली गई है, कुंभ को कोरोना का महास्प्रेडर सिद्ध करना है, मतलब कि जो कोरोना है सबसे ज्यादा वो कुंभ के जरिए फैल रहा है, ये इस टूलकिट में बात बोली गई है। कोरोना की जो सेकेंड वेव है वहां पर ये कहना है कि वो कोरोना की सेकेंड वेव नहीं बल्कि मोदी स्ट्रेन है, यानी मोदी की वजह से ही वो चीजें आई हुई हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है वो खराब करना है, ये बात उसके अंदर बोली गई। ईद का त्यौहार ऐसे दिखाना है जो मेल जोल का त्यौहार हो। पीएम केयर फंड पर जो है सोशल मीडिया के ऊपर बार बार सवाल पूछने और बताने कि यहां पर जो पैसों का है वो मिस यूज किया गया है, और सोशल मीडिया के ऊपर गुजरात को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही है ऐसा भी वहां पर बताना है। सरकार को ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि ये जो सरकार जो है जो पैसा दे रही है उन्हीं का अच्छे से इलाज कर रही है, बाकी लोगों का इलाज नहीं कर रही है। जो बाहर के देशों की मीडिया है उनको जलती हुई चिताओं की फोटो वहां पर उनको प्रोवाइड करानी है, ताकि एक इंटरनेशनली भारत की बेइज्जती हो सके। ये जो पॉइंट्स हैं इस टूलकिट के अंदर लिखे हुए हैं, और कांग्रेस से जब इस टूलकिट के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस ने इसको साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा यह हमारी कोई टूलकिट नहीं है, यह बीजेपी वालों ने अपनी तरफ से बनाई हुई है। अब देखो ये जो दो पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप वो लगाते रहते हैं, क्योंकि देखो राजनीतिक पार्टी है, एक दूसरे का आरोप या प्रत्यारोप लगाना एक आम सी बात हो जाती है। इसमें ये नहीं है कि कोई आरोप प्रत्यारोप क्यों लगा रहा है, ये चीजें चलती रहती है राजनीति में, ये बेसिक सी चीजें हैं, ये चलेंगी ही। और जो ये आरोप प्रत्यारोप चलते हैं जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो कहता है तुम साबित कर दो, इससे क्या होता है कि भैया मीडिया को थोड़ा बहुत मसाला मिल जाता है, और हम जैसे जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनका मनोरंजन हो जाता है। लेकिन फिर आता है ट्विटर। ट्विटर एक तरीके से ऐसे समझो यार, ये वो एक चीज है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वो वाली हालात कर दिए इसने। देखो दो पार्टियां आपस में कह रही हैं कि आरोप लगा रही हैं एक दूसरे के ऊपर, कांग्रेस कह रही है कि आप साबित करके दिखा दो, बीजेपी कह रही है कि आपने ये सब चीजें की हैं, ये तो कई चीजें चल रही थी। लेकिन ट्विटर आकर कहता है कि उसने जो संबित पात्रा जी ने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया था, जो स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, उसके ऊपर मैनिपुलेटेड का टैग लगा देते हैं। और जैसे ही मैनिपुलेटेड का टैग लगता है तो वो होता है ना उड़ता हुआ तीर वाली वो बात, इसके साथ ट्विटर के साथ हो जाती है। ध्यान जो सरकार का जो ध्यान है वो ट्विटर की तरफ खींच जाता है। जैसे ट्विटर ने किया कि भैया जो यहां पर मैनिपुलेटेड का टैग जो इसने लगा दिया संबित पात्रा जी के ट्वीट के
ऊपर है, तो इनसे पूछा गया कि तुम्हारे पास ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है कि जिससे तुमने कहा कि ये चीज जो है वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कोई बात यहाँ पर बोल रहा हूँ तो वहां पर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर कर रहा हूँ ताकि मैं ये बता सकूँ कि मेरे यहाँ पर कोई भी शब्द नहीं है, ये सारी जो बातें हैं मैं इन न्यूज़पेपर इन ट्वीट से लेकर आपको बता रहा हूँ। अब अगर कोई भी बात मैं अपनी तरफ से बोलता हूँ तो आप लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, भैया तेरे पास क्या सबूत है, तेरे पास क्या सोर्स है जो तू अपनी बातें यहाँ पर रख रहा है। होता है ना कि आप मुझसे कहो कि मैंने कोई बात शेयर की और आप कहो कि वो चीज़ गलत है, लेकिन मैं आप कहूँगा अच्छा ठीक है आपने मुझसे कहा कि वो चीज़ गलत है तो आप ही सही मुझे बता दीजिए, तो वो वाली चीज आती है। यहां पर ट्विटर से पूछा गया तुमने यहां पर मैनिपुलेटेड का टैग इसलिए लगाया कि चीज गलत है ये कहते हुए, अगर ये गलत है तो तुम्हारे पास सही चीज तो होगी ना, वो हमें दे दो। इसलिए यहां पर इसके दिल्ली और गुड़गांव के ऑफिस के ऊपर दिल्ली की स्पेशल सेल के ऑफिसर यहां पर भेजे गए थे। और फिर छत्तीसगढ़ के जो पूर्व सीएम रमन सिंह है उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, यही डॉक्यूमेंट था, यही टूल किट थी, ट्विटर ने वहां पर भी मैनिपुलेटेड का टैग लगा दिया। और जब यह कारनामा किया तब यह ट्विटर के ऊपर यहां पर कार्रवाई करते हुए जो दिल्ली पुलिस के सेल यहां पर गए तो इन्होंने पूछा कि भाई आप जिस पेज पे लगा रहे हो जो आपके पास सोर्स है हम उसको ये नोटिस देने आए हैं कि बताओ कि आपने किस बेस के ऊपर यहां पर ये मैनिपुलेटेड टैग जो है वो लगाया है। और बात सही भी है, जहां जहां ट्विटर है वह अपनी तरफ से मैनिपुलेटेड टैग लगा दे रहा है। अब देखा जाए तो एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके पास कहां से ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है जो ये मैनिपुलेटेड टैग जो है वो वहां पर लगा दे रहा है। तो ट्विटर रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि देखो हमारी टर्म एंड कंडीशन है और हम इंटरनली उस चीज को चेक करते हैं और हमें लगता है कि वो चीज मैनिपुलेटेड है तो हम वहां पर वो टैग जो है वो या फिर वो लेबल है वो वहां पे लगा देते हैं। बहुत बढ़िया यार। तो इसीलिए जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उसके जो ऑफिसर है वो उसी इंटरनली चेक करने वाले को वो नोटिस पकड़ाने गए हुए थे और उनसे पूछने गए हुए थे भाई साहब आप बता दीजिए आपने किस इंटरनली बेस के ऊपर जो वो चीज चेक की और आपने मैनिपुलेटेड टैग जो वो वहां पे लगा दिया। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वहां पर गई, इनके ऑफिस में गई, तो एक मुद्दा यहां पर भी खड़ा हो जाता है कि भाई जो यहां पर ऑलरेडी मीडिया मौजूद थी उनको कैसे पता कि दिल्ली की जो स्पेशल सेल है वो यहां पर आने वाले हैं। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो इस चीज को तूल दी गई थी। खैर ये एक मुद्दा अलग है, बस वह आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी जगाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि ट्विटर जो है ये मैनिपुलेटेड टैग कैसे लगाते हैं। आप लोगों ने जब यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो देखते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आपको मिलता है रिपोर्ट करने का। रिपोर्ट आप किस बेस पे करना चाहते हैं, क्या उसके अंदर कोई गाली गलौज है, कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट है या फिर कोई गलत कंटेंट वहां पर परोसा गया है। ऐसा ही फेसबुक के ऊपर होता है, ऐसा ही सेम इंस्टाग्राम के ऊपर होता है और ऐसा ही सेम जो है वो ट्विटर के ऊपर होता है। ट्विटर पर लोगों ने जब ये पोस्ट शेयर किया तो लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में इसके ऊपर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया और जब ये रिपोर्ट की गई तो वहां पर ट्विटर का जो इंटरनल सिस्टम है इसके ऊपर वर्क करना शुरू करता और वो मैनिपुलेटेड टैग वहां पर लगा देता। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो कि जो पहला बॉक्स है उसके अंदर ये बात बोली गई है कि इसके अंदर कोई चेंज है या नहीं है, अगर इसके ऊपर ज्यादातर रिपोर्ट की गई है तो यहां पर ये कंटेंट मे बी लेबल्ड यानी मैनिपुलेटेड टैग यहां पर लगा देते हैं। या फिर जो दूसरा जो उसमें बोला गया है कि अगर किसी की इमेज खराब करने की वहां पर कोशिश की गई है उसके ऊपर ज्यादातर रिपोर्ट की जाती है तो उसके ऊपर भी कंटेंट मे बी लेबल्ड यानी मैनिपुलेटेड का टैग लगा दिया जाता है। और यहां पर देखा जाए अगर तीनों के ऊपर ही यहां पर किसी ने रिपोर्ट कर रखी है तो ट्विटर क्या करेगा, इन तीनों के ऊपर अगर रिपोर्ट हुई है तो उस ट्वीट को या फिर उस पोस्ट को वो डिलीट कर देता है। देखा जाए तो आप ट्विटर का पक्ष भी आपको समझना होगा, वो मैनिपुलेटेड टैग जो लगाता है उसके अकॉर्डिंग ये कहता है कि भाई ये हम जो है वो सत्यता की प्रमाणिकता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो संबित पात्रा जी जो है वो सरकारी आदमी है, अगर उन्होंने कोई भी चीज शेयर की है उसको सरकारी आदेश ना समझा जाए इसलिए वहां पर ये बात बोल दी जाती है कि हमारी तरफ से इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा रही है। और ये सही भी है एक तरीके से, लेकिन कई फिर इसके ऊपर दो पक्ष निकल के आते हैं, एक इसका विरोध करते हैं और एक इसका समर्थन करने लग जाते हैं। अब इसके चलते ट्विटर वर्सेस गवर्नमेंट का ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। अब जैसे मैंने कहा कि दो वर्ग निकल के आए हैं, वो एक तरफ गवर्नमेंट यानी सरकार का साथ दे रहे हैं और एक तरफ जो है वो ट्विटर का साथ दे रहे हैं। अब जो गवर्नमेंट का साथ देने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया ट्विटर कौन होता है, जब दो पार्टी एक दूसरे के ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से तथ्य मतलब प्रूफ मांग रहे हैं, तो वहां पर ट्विटर कौन होता है मैनिपुलेटेड टैग लगा देने वाला। वहीं पर जो ट्विटर का साथ देने वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार ट्विटर को जो वो डरा कर धमका कर रखना चाहती है ताकि आने वाले टाइम में ये जो ट्विटर है वो सरकार के किसी भी पोस्ट के ऊपर मैनिपुलेटेड टैग ना लगा पाए और कोई भी पोस्ट डिलीट ना कर पाए, किसी का अकाउंट सस्पेंड ना कर पाए। जैसे कि आपको पता है कि ट्विटर ने ऑलरेडी बहुत सारे ट्वीट जो है वो डिलीट किए थे, फार्म जो बिल उसके अंदर किसानों का जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर काफी सारे पोस्ट डिलीट किए गए थे, काफी सारे अकाउंट डिलीट किए गए थे, सरकार के कहने पर भी किए गए थे, तो ये चीजें वो कर पाए आसानी से सरकार, इसलिए जो है सरकार ट्विटर के ऊपर दबाव बना रही है। बट एक तीसरा पक्ष भी हमारे सामने निकल के आता है, जब 25 फरवरी को भारत सरकार ने तीन प्लेटफॉर्म
ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल न्यूज हो गया और सोशल मीडिया, इनके लिए कुछ गाइडलाइंस निकाली थी। वो गाइडलाइंस जो थी वो इस सोशल मीडिया से रिलेटेड थी, जिसके अंदर 3 ऑफिसर उन्हें नियुक्त करने थे अपनी कंपनी के अंदर। मैंने उसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आई बेल पे आ रहे लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसको उसके बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ये जो बिल थे, ये जो गाइडलाइंस थी, न्यू आईटी रूल्स हैं जिनको ट्विटर ने अब तक माना नहीं है। ट्विटर का कहना है कि भाई हमारे पास खुद के टर्म एंड कंडीशन है, मैं आप लोगों की बात क्यों मानूं? अमेरिका में मैंने किसी की बात नहीं मानी, तो यहां पर सरकार ने साफ कह दिया आप भारत में हो, अमेरिका में नहीं हो, तो आप भारत के नियम के अकॉर्डिंग ही चलोगे। और फिर ट्विटर का कहना है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन रहे हैं, तो यहां पर सरकार ने कहा देखो ये भारत जो है वो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच अब से नहीं है, तो हमें पाठ मत पढ़ाओ आप बार बार फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, हम अच्छे से जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, जनता ने हमें चुनकर भेजा है तो हम जो नियम बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। और ये कहीं ना कहीं सही भी है क्योंकि सरकार जो है वो नियम बना रही है देश के लिए। और सरकार ने कहा भी है ट्विटर से, अगर आपको लगता है कहीं पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो रहा है या फ्रीडम ऑफ स्पीच छीनी जा रही है या फिर उसको खतरा हो रहा है, तो आप वो प्रूफ दीजिए, आप वो सोर्स दीजिए, आपसे जो बात करने के लिए जांच एजेंसियां तैयार बैठी हैं। और ये केवल भारत में नहीं हो रहा ट्विटर के साथ लफड़ा, ये ऑलरेडी हो चुका है। अमेरिका की कंपनी है तो अमेरिका में इसने बहुत ज्यादा जनवरी के अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप के जो चुनाव हुए थे वहां पर इन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया था, तो वहां पर भी ट्विटर ने अपनी मनमानी की थी और वहां पर वो एक तरीके से विजय रही थी, मतलब जीत गई थी। ट्विटर एक बड़े जो लोकतांत्रिक देश है उसके अंदर वो ट्विटर अपने अपनी मनमानी चलाते हुए अपने आप को वहां पे जिता लिया था। अब देखने वाली बात यह है कि भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है वहां पर क्या ट्विटर की मनमानी चल पाएगी, देखो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। और केवल ट्विटर को भारत में ही बैन या फिर इसके ऊपर सेंसरशिप लगाने की बात नहीं हो रही, ऑलरेडी बहुत सारे देशों में इसके ऊपर एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है। ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी कुछ कंट्रीज ने सेंसर लगा रखे हैं जिसमें भारत जो है वो 6 नंबर पर आने वाला है और तो इसमें यूएसए भी शामिल है क्योंकि वो 11वें नंबर के ऊपर है। आई होप सो आप लोगों को ये सारा मैटर समझ में आ गया होगा, टूलकिट क्या होती है, कांग्रेस ने किस प्रकार से उस चीज को डिनाई किया, आप संबित पात्रा जी ने जो टूलकिट शेयर की उसके अंदर क्या क्या पॉइंट थे, ये सब वो चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। और ट्विटर वर्सेज गवर्नमेंट का भी आप लोगों को ये झगड़ा समझ में आ गया होगा, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ट्विटर लाइन पे कैसे आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।